हेलो दोस्तों, केम छो? कैसे हो? खुश मिजाज? मैं हर्षा गुंडला हर्षवर्धिका की ओर से आज आपके सामने एक बहुत अच्छी बात लेकर आई हूँ हर्षवर्धिका के बारे में। हर्षवर्धिका मेडिसिन्स जो है वो घर की चीजों से बनाई हुई, किचन की चीजों से बनाई हुई, जिसमें कि प्रिजर्वेटिव या केमिकल बिल्कुल भी नहीं है। और जहां मुझे जरूरत लगी वहां मैंने कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का भी इस्तेमाल किया है। दोस्तों, मैंने हर्षवर्धिका यानी कि होम मेड मेडिसिन्स में रिसर्च करने का क्यों सोचा, उसकी वजह ये हो गई कि मैं भी सभी की तरह एक इंसान हूँ, तो मुझे भी कुछ ऐसी शारीरिक बीमारियाँ आई जिसका हल मुझे डॉक्टरों के पास जाके जल्द नहीं मिला। सबसे पहले मेरी बीमारी कि जो मुझे परेशान कर रही थी वो थी फोड़े यानी कि बॉइल्स। बॉइल्स मुझे इतने सारे निकलने लगे कि एक साथ कभी कभी तीन तीन चार चार पांच पांच निकलने लगे। मैं जब डॉक्टर के पास गई दोस्तों, तो डॉक्टर को हमने बताया, डॉक्टर ने कहा कि एक ही बॉयल में पांच छह मुंह है, यदि इतने सारे मुंह यानी कि एक बॉयल में पांच या छह बॉयल्स, तो मुझे कितना दर्द सहना पड़ा होगा। मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने ट्रायल बेसिस पे मुझे कुछ मेडिसिन्स सिर्फ लिख कर दी। उन्होंने कोई मेडिसिन खुद से क्रिएट नहीं की थी। जिस प्रकार हम सर्दी खांसी में कुछ चीजें ट्राई करते हैं, वैसे डॉक्टर्स अपने ऊपर ट्राई करते हैं, बाद में कहते हैं कि आप के अंदर इस पर्टिकुलर विटामिन की कमी है, या कहेंगे आप पूरा चेकअप करवा लो, फिर कुछ न कुछ ऐसी बातें बताएंगे कि जिसका सॉल्यूशन लाने के लिए पहले उन्होंने हमसे खर्चा करवाया कि आप चेकअप करवा लो, आपको डायबिटीज है क्या, आपको थायराइड है क्या, ये सारा चेकअप करने के लिए कहेंगे। उसके बाद उसमें से नुस्ख निकालेंगे, फिर वो चीजों को क्योर करने के लिए मेडिसिन लिख कर देंगे। तो पहले आपका खर्चा हो गया चेकअप का, उसके बाद खर्चा हुआ बाकी की बीमारियों को क्योर करने के लिए फालतू मेडिसिन्स खाने का, और जो फोड़े थे वो तो वहीं के वहीं रह गए। तो खर्चा 4-5 हज़ार तक तो यूं ही चला जाता है, मेरा भी गया। और अच्छी तो मैं हुई नहीं, मेरे फोड़े वहीं के वहीं, और ऐसी जलने जलने वाली मेडिसिन्स और पट्टियां भर भर के पेन किलर्स। बाद में बोलते हैं कि आपकी उम्र ऐसी है कि अभी जल्दी अच्छे नहीं होंगे,
ये सारा झेलना मेरे लिए इम्पॉसिबल हो गया था। फिर मैंने रिसर्च शुरू की फोड़े के ऊपर, बॉयल्स के ऊपर। रिसर्च के मुताबिक मुझे बताया गया, मैं एक्रॉस आई, कहीं बोला था गेहूं की आटे की पोटिस लगाओ, किसी ने कहा कड़वे नीम के पत्ते पीस कर लगाओ, किसी ने कहा पीपल के झाड़ के पत्ते लगाओ, कोई बोला हल्दी लगाओ। अरे हम क्या क्या लगाए, खाली ट्राई करते रहेंगे कि क्योर भी होंगे? तो दोस्तों हमने क्या किया, यदि ये सारी चीजें फोड़े के ऊपर अच्छी ही है तो उन सारी चीजों का एक छोटा सा मिश्रण तैयार किया जिसमें हल्दी भी हो, नीम के पत्ते भी हो, पीपल भी हो, काला मिरी भी हो, हर चीज हो, और उसे हमने हमारे फोड़े पर अप्लाई किया। और दोस्तों आप बिलीव नहीं कर सकोगे, ना हमने विटामिन्स की जांच पड़ताल की, ना ही हमने सोचा कि हम चेकअप पूरा करवाए, सिर्फ हमारी मेडिसिन ने हमारे फोड़े पर ही वर्क किया। और दूसरी बात कि डॉक्टर साहब को कभी नहीं कहेंगे कि आप ये देखिए पहले कि आपको ये किस लिए हुआ है। मैंने ये भी ढूंढा कि मुझे ये फोड़े क्यों हुए, तो आपको एक सीधा सादा सॉल्यूशन बताती हूँ। फोड़े मतलब कि हीट, तो हीट आपके अंदर जब बढ़ जाती है, आपने देखा होगा कि आम के सीजन में बहुत लोगों को फोड़े निकलते हैं क्योंकि आम बहुत गर्म है, काफी लड़कियों को पिंपल्स निकलते हैं क्योंकि वो लड़कियां बहुत सारा आउटसाइडर तीखा तीखा स्पाइसी खाना पसंद करती है, तो वो भी एक हीट है। तो इसी प्रकार मैंने ढूंढा कि मैंने कुछ ज़्यादा गर्म खा लिया जो मेरी शारीरिक कैपेसिटी से ज़्यादा हो गया, अब मैंने पूरी तरह तीखा खाना कंट्रोल में रख दिया और मुझे फोड़े भी नहीं आते अब। तो दोस्तों इसी प्रकार हर्षवर्धिका बहुत ही हानि से दूर ऐसी दवाइयां है, इसको सिर्फ इस्तेमाल करें। यह दवाइयां आपको कहीं भी मार्केट में नहीं मिलेगी, यह दवाई मैं खुद अपने इन्हीं हाथों से बना के आप ही के लिए खास बना के देती हूँ, जिसमें कि प्रिजर्वेटिव और केमिकल्स बिल्कुल नहीं रहते, आपको इसे फ्रिज में स्टोर करनी पड़ती है। तो दोस्तों जरूर आप चाहो तो हमसे सलाह मशवरा करके खुद यही मेडिसिन बना सकते हो या फिर हर्षवर्धिका से खरीद सकते हो।